जे पॉल गेट्टी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और अपनी डेथ के समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रात जे पॉल गेट्टी ने अपने तीन मेहमानों को रात के खाने पर बुलाया। रेस्टोरेंट था कैप्रिस। रेस्टोरेंट पहुंचने पर गेट्टी ने कहा, अंदर चलने से पहले थोड़ा घूम लेते हैं। एक दोस्त ने कहा, घूम लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। गेट्टी ने कहा, घूम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी 10 नहीं बजे हैं और यहाँ हर व्यक्ति पर 10 शिलिंग का चार्ज लगता है जो रात 10 बजे के बाद नहीं लगता। मैं 15 मिनट के लिए एक पाउंड फालतू में खर्च नहीं करना चाहता। और ये बात तब की थी जब वे संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। साथियों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कमाई कैसे की जाए, लेकिन 1 लाख में कोई एक व्यक्ति जानता है कि खर्च कैसे किया जाए। अगर आपको खर्च करना नहीं आता तो कमाने के हजार तरीके सीखने का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद हो तो ऊपर से कितना ही पानी भरते जाए बाल्टी कभी नहीं भरेगी। आज की इस वीडियो में जानते हैं खर्च कैसे करना चाहिए, कर्जा कब और कैसे लेना अच्छा होता है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसको सिर्फ छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं, कोई भी कार कितनी कमाई पर खरीदनी चाहिए और किन चीजों में खर्च करते हुए कभी नहीं सोचना चाहिए। आज पैसों को लेकर बेहद छोटी छोटी पर बेहद इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। साथियों, पैसों को लेकर मेरी पहली सीख हमेशा याद रखें, हमेशा तराजू में तोल कर ही खर्च करना सीखें। याद रखें, हम हमारी कमाई की वजह से नहीं बल्कि खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। आज आपको अपने पैसों को खर्च करने का एक बेहद शानदार तरीका बता देता हूं। जब भी आपके मन में कोई चीज खरीदने का विचार आए, मान ले कोई चीज मन कर रहा है खरीदने के लिए और वो चीज 5,000 रुपए की है, ठीक, तो सबसे पहले तराजू में तोलें। क्या तोलें? मान ले आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपया है, ठीक, और आप 8 घंटे काम करते हैं 26 दिन, 4 दिन की छुट्टी हटा लीजिए, यानी महीने में कोई 200 घंटे, यानी आपकी 1 घंटे की कमाई हुई 250 रुपए। अब आप सिर्फ ये सोच लें कि जो 5,000 की चीज खरीदने का मन तड़प रहा है उसके लिए आपने 20 घंटे कड़ी मेहनत की है। अब तराजू में तोल लें और अगर लगे कि 20 घंटे की मेहनत को इस 5,000 रुपए की चीज को खरीदने के लिए उड़ा देना चाहिए तो खरीद लीजिए, नहीं तो तुरंत छोड़ दें। ये फॉर्मूला आपके लिए चमत्कारी काम करेगा और आप फालतू की चीजें खरीदने से बच सकते हैं। अब पैसों को लेकर दूसरी मेरी सीख याद रखें, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट तरीका जो आपका पैसा बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है हर महीने का सामान जो आप घर के लिए खरीदते हैं वो कैसे खरीदें। सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते क्या है, मुंह उठाया और चले गए मार्केट घर का सामान खरीदने। ऐसी गलती आज के बाद कभी ना करें, हमेशा शॉपिंग लिस्ट लेकर ही मार्केट में जाएं, यानी जो भी आपकी जरूरत है घर में पहले उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको ये फायदा होता है कि आप केवल वही चीजें खरीदते हैं जो आप घर से लिख कर गए थे और फालतू फंड की चीजें खरीदने से बच जाते हैं। मुंह उठाकर शॉपिंग मॉल में कभी ना जाएं। याद रखना, जिस सामान पर नजर नहीं पड़ती आप उसे कभी नहीं खरीदते, और सामान खरीदने हमेशा अकेले जाएं, क्योंकि अगर आप पत्नी और बच्चों के साथ जाएंगे तो हमेशा बहुत सा सामान आप वो ले आएंगे जिसकी फिलहाल जरूरत ही नहीं। पत्नी कहेगी, ये जी सुनते हो, ये भी ले लें क्या? बच्चे कहेंगे, मेरे पापा सबसे अच्छे। ये 2 आइटम आप फालतू उठाकर ला सकते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं। और शॉपिंग सेंटर में जब भी जाएं टाइम फिक्स करके जाएं कि 1 घंटे में सारा सामान खरीद के आ जाऊंगा। जब वहां कम समय रहेंगे तो कम ही खरीदेंगे, वहां टहलते रहेंगे फालतू फंड की चीज लेकर ही आएंगे। हो सके तो भूखे पेट शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो हल्दीराम वाले भैया 1 नान का ही 100 रुपया ले लेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग 1 तारीख को नहीं 25 तारीख के आसपास करें जब पैसा ही कम हो, क्योंकि 1 तारीख को तो पैसे खुद ही उछल उछल के बाहर कूदते हैं। दोस्तों, मैंने ये सीखा है, आपके पास 100 रुपए हो चाहे 1 करोड़ रुपए, अगर आपके खर्च करने की आदत और तरीका ठीक नहीं तो आप जल्दी ही दिवालिया हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद का हवाई जहाज खरीद सकते हैं पर आज भी इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी नहीं करना, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। जो आदमी इन तीनों में पैसा बचाता है वो फ्यूचर में बड़ा नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में हल्का खाना खा लेंगे
बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल एक बार में सारी सेविंग ले ले। और अगर एजुकेशन में कंजूसी करेंगे तो जीवन भर अज्ञानी रह जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है। और आखिरी में सस्ते के चक्कर में या सेल के चक्कर में अनावश्यक सामान कभी ना खरीदें, ये बचत नहीं फिजूल खर्ची है। हमेशा याद रखें, जिस चीज की जरूरत नहीं उसके लिए एक रुपया देना भी महंगा होता है। पैसों को लेकर अगली तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज सीखने की जरूरत है। आपको लीगल तरीके से टैक्स सेव करने के रास्ते खोजने होंगे। सीए इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप माने या ना माने टैक्स हमारे जीवन का सबसे बड़ा खर्च होता है जो हमको देना ही देना है। सीए से पूछें क्या लीगल तरीके हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं, टैक्स प्लानिंग है। गवर्नमेंट खुद आपको ऐसा करने का मौका देती है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग जरूर करें। और इसमें सबसे आसान और इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस हर उस आदमी को जरूर करवाना चाहिए जिसकी इनकम से घर चलता है। लोग प्यार प्यार में बच्चों का इंश्योरेंस करवा देते हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। और इंश्योरेंस भी सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही करवाएं, कोई मनी बैक वाला इंश्योरेंस कभी इंश्योरेंस नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट की मिलावट होती है। इससे प्रीमियम में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। देखो, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको पॉलिसी बाजार से 473 रुपए पर मंथ का मिल जाएगा, जबकि मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 या 20 गुना ज्यादा होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखें और टर्म प्लान ही करवाएं। पॉलिसी बाजार जाएं, वहां 20 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके अपनी पसंद का प्लान चुन लीजिए। 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा और साथ में 10% डिस्काउंट भी, 24/7 क्लेम असिस्टेंस और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको यहाँ मिलता है। तो याद रखना मेरी बात, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखने का है। टर्म इंश्योरेंस ही करवाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से करनी है। किसी भी तरह के मनी बैक लालच में नहीं फंसना। पॉलिसी बाजार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना कि आपका इंश्योरेंस आपकी सालाना कमाई का 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए। पैसों को लेकर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट सी, अपनी कार कब खरीदें। बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि गाड़ी कब लेनी चाहिए या कार खरीदने का सही नियम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। देखा देखी ले लेते हैं कि उसने लिया है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। कार खरीदने का एक नियम आपको बता देता हूं, वो है 20:4:10, 20:4:10। ये नियम आपके काम आ सकता है। 20 का मतलब है कि कार की कुल कीमत का 20% कम से कम डाउन पेमेंट होना चाहिए, और ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, पर 20% से नीचे कभी ना हो ताकि कर्ज कम से कम हो। 4 का मतलब है 4 साल से ज्यादा के लिए कार कभी फाइनेंस मत करवाइए। हालांकि कर्ज देने वाले तो 7 साल का ऑफर भी आपको देंगे, ऐसा कभी ना करें, इंटरेस्ट आपका बाजा बजा देगा। और 10 का मतलब है आपकी महीने की इनकम का 10% से ज्यादा की EMI कभी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी महीने की कमाई 1 लाख है तो आपकी EMI 10,000 से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। कार खरीदने का दूसरा नियम, आपकी कार की कीमत आपके साल की टोटल कमाई का 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप साल का 20 लाख कमाते हैं तो आपको किसी भी हालत में 10 लाख से ऊपर की कार नहीं लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी कार खरीदते समय हमेशा इस नियम का पालन करेंगे तो पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। पैसों को लेकर 5वीं सीख सीखते हैं। साथियों, सिर्फ एक गंदी आदत छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ आदत छोड़कर। अगर आप कश मारने के शौकीन है ना, धुआं उड़ाने के शौकीन है, और आप सिर्फ 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप 40 साल में 2 करोड़ रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। 2 करोड़ की सिगरेट सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, आज समझाता हूं। अगर आप 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं तो इसका मतलब आप साल भर में कोई करीब 40,000 रुपए की सिगरेट फूंक रहे हैं। यही 40,000 रुपए अगर आप समझदारी के साथ हर साल इन्वेस्ट करते रहे, जहां आपको सिर्फ 10% कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ मिलती रहे, तो 40 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं। जी हाँ, होश उड़ जाएंगे आपके। एक एक्सेल शीट से आपको समझाता हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक एक्सेल शीट। देखिए, पहले साल हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए जो हमने सिगरेट ना पीकर बचाए थे।
उस 40,000 को हमने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट किया। अब उसने 10% की ग्रोथ दी यानी 4,000 रुपए, तो साल के अंत में हमारे पास हो गए 44,000 रुपए। ठीक, दूसरे साल इस 44,000 में हमने 40,000 फिर जोड़ दिए क्योंकि इस साल भी सिगरेट नहीं पीने का, तो हुआ है हमारे पास 84,000 रुपए। फिर 10% की ग्रोथ मिली 8,400 रुपए, तो टोटल हुआ दूसरे साल के एंड में 92,600 रुपए। ठीक, तीसरे साल इसमें फिर 40,000 जोड़ दिए क्योंकि सिगरेट फिर नहीं पीने की, तो हमारे पास 1,32,600 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। 10% की ग्रोथ होती है 13,260 रुपए, यानी तीसरे साल के अंत तक हमारे पास पूंजी होती है 1,45,807 रुपए। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हर साल हम सिगरेट ना पिए और 40,000 रुपए जोड़ते रहे तो कंपाउंडिंग करते करते 35वां साल आते आते 34वां साल सॉरी आते आते आपके पास 1 करोड़ रुपए की पूंजी हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें 36वें 37वें 38वें 39वें 40वें साल के बाद जब 41वां साल आता है तो आपकी वेल्थ होती है 2,14,00,000 रुपए से ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। आपकी आंखों के जो सामने है वो आप ही का पैसा है और आप ही की पास बचत है जो सिर्फ आपने तब बचाई है जब आपने एक निर्णय लिया कि इस गंदी लत को छोड़ देंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम, यानी स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ ही, एक छोटी सी हरकत कि सिगरेट नहीं पीऊंगा आपको 2 करोड़ रुपए 40 बरस के अंदर दे सकती है। इससे आसान तरीका और क्या होगा करोड़पति बनने का? तो मेरे भाई, सिर्फ सिगरेट छोड़कर भी आप करोड़पति बन सकते हैं, इससे आसान और क्या रास्ता होगा। अब पैसों का छठा नियम, और वो है कर्ज का नियम। इसको आपको समझना ही होगा। देखो, कर्ज अच्छा भी होता है बुरा भी। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है और गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर डालता है। जैसे सिगरेट के पैकेट के नीचे लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही हर लोन एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा होना चाहिए कि कर्ज आपकी आर्थिक सेहत के लिए हानिकारक है। सबसे खराब कोई चीज अगर है तो वो है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्रेडिट कार्ड पर बनाया मेरा ये वीडियो जरूर देखिए जिसको 30,00,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आज की डेट में क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा बर्बाद कर देने वाली वस्तु है। याद रखें, जो चीज आप नकद में नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी ना खरीदें। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ, इसने सबको बर्बाद किया है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में देखते हैं, फ्यूचर में नहीं। लोगों की सोच ऐसी होगी, आज की जेन जी की सोच क्या है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। लेकिन दोस्त, कल हमेशा आता है और ऐसे लोगों का तो बहुत भयानक होता है। कर्ज का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल आज आपको बता देता हूं कि किसी भी ऐसी चीज पर कभी इंटरेस्ट ना दे जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। यानी मकान बनाने के लिए कर्ज लिया जा सकता है पर शादी के लहंगे के लिए कभी नहीं। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं, जैसे एक ऐड आती है ना कि ये कुछ दाग अच्छे हैं। जैसे मकान बनाने के लिए लिया गया कर्ज, आपने 10,00,000 का कर्ज लिया और 3 से 4 कमरे का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब उससे कोई 15,000 महीने का रेंट आने लगा, तो 10,00,000 पर साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से हुआ 80,000 और आपकी 15,000 रुपए मंथली रेंटल के हिसाब से साल की कमाई हुई 1,80,000। यानी साल का इंटरेस्ट चुकता करने के बाद भी आपको साल में 1,00,000 रुपए की बचत हो गई। ये अच्छा कर्ज है, जरूर लेना चाहिए। बुरा कर्ज घाटे का सौदा है। घूमने के लिए कर्ज लेना, सिंगापुर जा रहे हैं लोन लेकर, वाह जी वाह। दिखावे के लिए कर्ज लेना, उसके पास गाड़ी है तो मैं भी लूंगा, वाह जी वाह। एंटरटेनमेंट के लिए कर्ज, ये बेहद घटिया चीजें हैं क्योंकि आप इससे अपने आने वाली कमाई को गिरवी रख रहे हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। अब आखिरी में सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट सीख जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है, शान झाड़ना बंद कर दें। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। विल रॉजर्स कहते थे कि बहुत सारे लोग अपना कमाया पैसा उन चीजों को खरीदने में खर्च कर देते हैं जिन्हें वे खुद ही नहीं चाहते, और इस तरह से वो उन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जिन्हें वे खुद ही पसंद नहीं करते। साथियों, मनुष्य शान झाड़ने वाला प्राणी है। अपने शरीर से लेकर अपनी कार, अपना घर, अपनी सफलता, अपनी अमीरी की शान झाड़ता रहता है जब भी मौका लग जाए। शान झाड़ना मनुष्य के डीएनए में है।
आपके मन में कई हसरतें दबी हुई हैं, शान झाड़ने की एक लिस्ट मन में कहीं ना कहीं भर रखी है। जैसे ही पैसा आया, सब्र का बांध टूट गया और आपने अटपटी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है या कहीं से पैसे आते हैं ना, अचानक आपको आपके लाइफस्टाइल को बदलने का ख्याल आना शुरू हो जाता है कि अब मुझे नया फोन ले लेना चाहिए, पुराना हो गया है मेरा पुराना फोन, सोफा मेरा पुराना हो गया है, अब एसी वैसे लूंगा जैसा सुरेश के घर में है। जैसे ही पैसा आया, शान झाड़ना शुरू। तुमको पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों है कि पैसा आते ही उससे खुद से दूर करने लग जाते हूँ? नोट करना, अमीर लोग लोगों को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कभी नहीं करते जितना कि गरीब लोग करते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को अमीरी साबित करने की जरूरत ही नहीं होती और गरीब लोग अपनी आधी जिंदगी अपने को अमीर साबित करने में गुजार देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी में कभी कुछ मत खरीदिएगा। और अचानक कहीं से पैसे आए तो सावधान हो जाना। अगर कहीं खेत बिका हो, मोटी रकम मिली हो या शेयर बेचकर अच्छे पैसे मिले हो तो तुरंत स्कॉर्पियो नहीं खरीद लेना। कम से कम 3-4 महीने के लिए उन पैसों पे FD लगा देना और उन पैसों को देखना ही नहीं, क्योंकि तजुर्बा कहता है कि अचानक पैसा आने के बाद आदमी उबलने लगता है, मन की दबी इच्छाएं फिर से बाहर कूदने लगती हैं। 95% केसेस में 3 साल के अंदर लोगों के पास अचानक आया पैसा गायब हो जाता है और लोग पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए इन 7 नियमों का जरूर पालन करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पैसे को संभालिए, पैसा आपको संभालेगा। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।